हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। जैसा कि हम जानते हैं, सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्या कंपटीशन इसका हार्ड होने वाला है, क्या इसका कंपटीशन लो होने वाला है, किस तरह लो हो सकता है, किस तरह हार्ड हो सकता है, आप किस तरह इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, चल पूरी बात इस वीडियो में जानेंगे। और एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है इस वीडियो में मैं बताऊंगा लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल पर सीआरपीएफ से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस और जीके मैथ्स रीजनिंग सभी का वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। आप सबको अच्छा तरह से पता है कि सेंट्रल लेवल का कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और नेपाल भूटान को भी इंक्लूड किया जाता है उसमें, वहाँ से भी काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं। तो इस फॉर्म का ओपनिंग डेट था 20/7/2020 और क्लोजिंग डेट था 31/8/2020। करीबन 41 दिन का टाइम आप लोग को दिया गया था इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि ऑफलाइन फॉर्म था। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, तो मैं इस वीडियो में सफाई कर्मचारी जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, मैं इस वीडियो में सफाई कर्मचारी को पूरा डिस्कस करूँगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी में टोटल पोस्ट था 50 पोस्ट, और टोटल था 121 पोस्ट, जिसमें से कैटेगरी में बांटा गया था। अनरिजर्व का पोस्ट था 50, ओबीसी का 39 और एससी का 12 और एसटी का 8 और ईडब्ल्यूएस का 12, और टोटल 121 पोस्ट दिया गया था। इसका जो क्वालिफिकेशन था मैट्रिकुलेशन यानी माध्यमिक पास सिंपल, और नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज, एक सभी लोग को तो आता ही है। और यहाँ दिया था सूड मेडिकली फिट, सिर्फ मेडिकली फिट होना है और 10th पास है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, और इसका एज था 18 से 23 साल के उम्र के जितने भी कैंडिडेट है, वो जनरल कैंडिडेट है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और आगे देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है जो 18 से 23 साल तक जो फॉर्म भरते वो जनरल कैंडिडेट भरते, जिसका कोई अपर लेज का छूट नहीं है। पर एससी कैंडिडेट जो है जिसको 5 साल का छूट, और एसटी कैंडिडेट है उसको 5 साल का छूट दिया जाए, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, तो एक सर्विसमैन को भी 3 साल जो जनरल से बिलोंग करते हैं। तो इससे ये मैटर होता है कि टोटल 28 यानी 5 साल का दिया जाए तो 28 साल मैक्सिमम एज के कैंडिडेट फॉर्म को भरे हैं और भर चुके हैं, जिसका फॉर्म वहां पहुंच चुका है बंगरसिया में। पर इससे क्या मैटर उठता है कि फॉर्म की संख्या ज़्यादा सफाई कर्मचारी में ही गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारी का जितना भी जो फॉर्म भरा गया है बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वालों में भरा है, और बाकी पोस्ट जो कुक, वाशरमैन, मसालची वगैरह का जो भी ग्रुप सी का पोस्ट था उस पर आपको सर्टिफिकेट भी देना था उसमें एक्सपीरियंस का, पर इस पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, जिसके कारण काफ़ी फॉर्म वहां पे पहुंचे हैं। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि बिना एक्सपीरियंस के कोई भी वैकेंसी निकलता है, उसमें सिर्फ सिंपल आपका क्वालिफिकेशन रहता है, इसमें माध्यमिक है, तो जरूरी है कि आप वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करते हैं। इसी तरह मान सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई किए, पर पोस्ट की संख्या बहुत कम है, इसका कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। ये हर क्षेत्र में, जैसे फर्स्ट में पीईटी होगा, इसमें भी काफ़ी पीईटी की बात की जाए यहाँ पे तो कंपटीशन तो है, तो पीईटी सभी लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, मैं सफाई वाला के बात कर रहा हूँ, जो सफाई कर्मचारी, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है जिसका 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर जो है 1 माइल 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ये तो सिंपल सी है कि काफ़ी लोग इसमें पीईटी और पीएसटी में पास हो जाएंगे। और रेस फीमेल का है जो 12 मिनट दिया गया 1.6 किलोमीटर का। तो इसका बात छोड़ के मैं रिटेन की बात करूँ, तो इससे पहले दिया हुआ रिटेन का कुछ क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है कि आपका रिटेन 100 मार्क्स का होगा, और उसमें से आपको अनरिजर्व, एक सर्विसमैन
EWS कैंडिडेट 45% लाएंगे, 45% मतलब 45 नंबर, और SC ST OBC जो कैंडिडेट है 40% यानी 40 नंबर 100 का। सिर्फ ये पासिंग मार्क्स है, मतलब ये कट ऑफ नहीं बनने वाला, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको 100 में 45 के ऊपर लाइएगा तभी पास होइएगा, और उसके बाद आपका एक कट ऑफ बनेगा कैंडिडेट के हिसाब से, जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से। तो आप ये नहीं भ्रम में रहिएगा कि इतना 45% दिया है तो 45% ही लाने से आप पास हो जाइएगा। तो आपको 100 में जो पार्ट ए और पार्ट बी पेपर होने वाला है, जिसमें पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, GK और GA और हिंदी आइदर इंग्लिश है, जो कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पेपर होने वाला है MCQ में, वो रहेगा। और आपका जो ट्रेड क्वेश्चन है, जैसे सफाई कर्मचारी का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन आपका इसमें आने वाला एग्ज़ाम में, तो ये भ्रम में नहीं रहना है। उसके बाद में एक्सेप्टेड कटअप की बात की जाए, तो एक्सपेक्टेड कटअप इस बार की जो रहने वाली है जनरल का 78 से 82, ये मान के चल सकते इसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है सफाई कर्मचारी का, मैं एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ। फिर OBC का 74 से 77 और SC ST का 70 से 75, क्योंकि इतना रह सकता है, क्योंकि काफ़ी फॉर्म सबसे ज़्यादा, मान लीजिए कि 5 लाख फॉर्म टोटल भरा गया है सभी ट्रेड को मिला के, तो जिसमें से आपका देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख फॉर्म तो एक से डेढ़ लाख फॉर्म तो सफाई कर्मचारी का ही निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं गया है। तो इसके कारण काफ़ी इसमें आपका कंपटीशन रहने वाला है, तो ध्यानपूर्वक आप प्रिपरेशन करें, और इस चैनल पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, और काफ़ी क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इतना ही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में, तो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह का, और उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूंगा, इंस्पायर करूंगा और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। और प्लेलिस्ट यानी आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ और आगे भी करवाऊँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।